नमस्ते बच्चों आज इस वीडियो में हम बिना उधार के घटाव करना सीखेंगे आइए देखें कि गैफी के घर में क्या हो रहा है जब गैफी की माँ काम पर जा रही थी तो उन्होंने गैफी से कहा कि वे लौटकर उसकी घटाव की परीक्षा लेंगी गैफी ने उत्साह के साथ उन्हें ठीक है कहा गैफी अपनी परीक्षा के लिए अभ्यास में लग गई क्या आप घटाव का अभ्यास करने में गैफी की मदद करेंगे चलिए शुरू करते हैं एक थाली में दाल और चावल के पचहत्तर दाने हैं गैफी ने उस थाली में से चावल के दाने दूसरी थाली में रख दिए गैफी ने देखा कि चावल के दानों की संख्या चौबीस है तो अब थाली में रखे दाल के दानों की संख्या कितनी है क्या आप गैफी की मदद दाल के दानों की संख्या जानने में कर सकते हैं आइए चित्र में देखें हमारे पास चावल और दाल के कुल मिलाकर सात ढेर हैं प्रत्येक ढेर में दस दाने हैं और एक दो तीन चार और पाँच खुले दाने हैं गैफी ने उसमें से चावल के दाने अलग कर दिए यानी दो ढेर और एक दो तीन और चार खुले दाने मतलब कुल चौबीस दाने तो हमारे पास पांच ढेर और एक खुले दाने हैं यानी कि इक्यावन जो कि दाल के दानों की संख्या है आइए इस प्रश्न को एक बार खड़े घटाव के रूप में भी हल करके देखते हैं सबसे पहले हम इकाइयों की संख्या को घटाएंगे पांच में चार घटाव हो गए एक आइए इसे यहाँ इकाई वाले भाग के नीचे इस तरह लिख लें। आइए अब दहाई को देखें। सात में दो घटाव हो गए पांच। इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है अब हम पांच को यहाँ दहाई वाले भाग के नीचे इस तरह से लिख लेंगे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है इक्यावन गैफी ने भी आपकी तरह सही उत्तर चुना है एक गुलदस्ते में निन्यानवे फूल हैं, जिसमें से चौवन सड़े फूल हैं। गुलदस्ते में कितने अच्छे फूल हैं? दोस्तों इसका उत्तर ढूंढने के लिए हम इन संख्याओं को खड़े घटाव के रूप में लिख लेते हैं निन्यानवे यानी दस फूलों के नौ ढेर और नौ खुले फूल हमें निन्यानवे में से चौवन सड़े फूलों की संख्या को घटाना है यानी पचास फूलों के पांच ढेर और चार खुले फूल नौ में से चार घटाव हुए पांच और नौ में से पांच घटाव हुए चार दोस्तों हमारे पास पैंतालीस अच्छे फूल हैं। वाह ये सही उत्तर है गैफी अपनी परीक्षा के लिए अब बिल्कुल तैयार है की मां ने आपके लिए भी कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। इन प्रश्नों को हल करें, अपना उत्तर अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। बच्चों इस वीडियो से हमने निन्यानवे तक बिना उधार के घटाव करना सीखा